आपका नाम बता दीजिए। अब्दुल्ला पठान। कहाँ से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से ये फोन आप साथ में लाए थे? जी हाँ सर। क्या प्रॉब्लम थी? लाइज में डिस्प्ले और ग्राफिक नहीं आ रहा था। मोबाइल ऑन था लेकिन डिस्प्ले और ग्राफिक नहीं आ रहा था। हाँ, ग्राफिक नहीं आ रहा था, मोबाइल ऑन था। आपके सामने लाइव सीपीयू ड्रिल किया इसको? हाँ, ये सर। आप पूरा ठहर के यहीं पे देखे। मैं वीडियो काट रहा हूँ। हाँ, वीडियो भी आप ही निकाले। अच्छा, सीपीयू ड्रिल करे और उसमें से हम क्या करें, कौन सी लाइन निकाले? सीपीयू रीसेट लाइन निकाले। रीसेट लाइन को जम्पर लगाए निकाल के, डिस्प्ले कनेक्टर के दो नंबर पिन, दो नंबर पिन, वो तो आप ट्रेस भी कर लिया खुद से, पूरा बनाए तो पूरा जम्पर लगाए। लाइव अभी ऑन हो गया ना सेटअप का? स्लिप बोर्ड में जाने के बाद में खुल रहा है ना? ये लो एक बार चार्जर लगा के बता दो। वैसे हम बता ही चुके हैं ऑलरेडी, पावर की का पत्ता निकला हुआ है, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, चार्जर लगा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया क्या किए कैसा किए है ना सारा? ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करिए टेक्निकल फिरोज चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे एक Redmi Note 4 हैंडसेट है और उसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें ग्राफिक नहीं आता है और हमने इसको फाइंड आउट किया, पूरा प्रॉपर ट्रेस किया तो इसमें रीसेट लाइन का प्रॉब्लम है। तो अभी हम यहाँ पे सीपीयू ड्रिल करने वाले हैं और ड्रिल करके यहाँ से सीपीयू में से जम्पर निकालेंगे और डिस्प्ले कनेक्टर पे जो रीसेट की पिन होती है वो दो नंबर पिन पे आती है, तो यहाँ पे जम्पर लगाएंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखिए, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ठीक है, माइक्रोस्कोप में देखो, पूरी आईसी में लगाओ। हाँ, पूरी आईसी में लगाओ, पूरी आईसी में। और चेक कर लिए ना मोबाइल ऑन हो रहा है? ऑन हो रहा ना? चेक कर लिया इसको, इसको दो तीन मरतब हीट दिए पहले। हाँ, अभी सिलेंडर को चेक कर लिया ना। हाँ, लेकिन उसके ये नहीं है बैटरी विच पावर होता है। एक मरतब चेक करेंगे पहले। Thank you.
क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला पटेल। कहाँ से? महाराष्ट्र सोलापुर। चिक्की उक्की फेमस है ना? चिक्की उक्की कुछ फेमस मिलता है ना? चिक्की नहीं, चलो चिक्की नहीं, लोनावला में मिलता है। लोनावला में मिलता है। आपके आसपास ही होगा लोनावला? मुंबई के आसपास है। लोनावला खंडाला हो सकता है। अच्छा सिटी है सोलापुर। सोलापुर अच्छा है सिटी। इसमें एक लाइन जैसा है तो ऊपर से नहीं आता, या तो पावर से आता है या फिर सीपीयू से आता है। रूपन ये प्लास्टिक का हटाएंगे तो नीचे से अपने को मिलेगा रिसेट का पॉइंट। रिसेट का पॉइंट वहाँ से जम्पर निकाल के वहाँ देंगे रिसेट का पॉइंट। ठीक है, रिवॉल्व तो 10 मिनट में हो जाता है, रिवॉल्विंग नहीं करते 10 मिनट में करते लेकिन कुछ नया करते हैं, इसलिए वीडियो बन रहा है। बन रहा है, थोड़ा रोक दो, साइड का बटन दबा के इधर को पीछे। नहीं नहीं नहीं, टेक्निक रिफ्रेश है, वो दुर्गी सर का स्मार्ट टेलीकॉम है, वो भी है पहले से मालूम। अभी क्या तुम दो दो लेवल पे चले जाओगे ना, जब क्या होगा मालूम है आपको? जब आप पेस लगा के ऐसे रख रहे हो यहाँ पे, जब वो लेवल चले जाएंगे तुम्हारी सिटी यूजर का ऐसे उठाओगे और यहाँ पे लगाओगे यूज करके हेड मारो तो जो सो देगा वो तब ऐसे लगेगा। वो प्रो लेवल पे उसका भी एक लेवल होता है। रोक के रखो ना प्रदीप। हां रोहित पकड़ो ना, नीचे से पिन मैंने देखी थी तो उसको उठा करके वापस लगाई थी पीछे से, वो जो ऊपर एंटीना की पिन आ रही है जो केबल आ रही है उसको वापस लगाई थी। नहीं नहीं अरे वो सब सेटिंग बिगड़ जाएगी, कुछ मत करना। वो देख मैं आता हूँ, आप देखो आता हूँ जो बोलता हूँ मैं उसको भी आगे करता हूँ। अभी सर आ जाए इधर क्लास में, उसके बाद चलो ठीक है। आप मैं आके पूरा सुनने को अच्छी बोला है, इसको नहीं होता तो वो डिस्क हमने एलएमडी हिला दी, ऊपर एलएमडी आती है अंडी ना, तो एलएमडी हिला दी। मम्मी थोड़ा यहाँ जरा बाहर निकले ना, जरा कॉलोनी वाले में ठीक है दिख रहा अरे मेरे में ऐसा कुछ भी नहीं पता था, तो भाई नहीं मिलता मेरे इंस्टीट्यूट के पास काटे भी देखे या फिर यहाँ मिलता तो यहाँ करवा दो, अगर इधर नहीं मिलता तो इधर करवा दो। अभी यहाँ दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी दूसरे सामान है उनका काला बाहर।
ठीक है ठीक है। तो हमारा जो रिसेट का पॉइंट है उसको क्या करेंगे, अभी स्क्रैच करेंगे। बस रोक देना, बेटा बैठ लो, मैं आगे कॉल कर लूंगा। हां रहते हो आप क्या नाम है आपका? मैं बता दूंगा ना तुमको, बॉक्स वगैरह भी मिल जाएगा, बिल्ली मिल जाएगा, उसका हेडफोन भी मिल जाएगा, हेडफोन भी मिल जाएगा। वारंटी के बाहर हो गया, वो जाते ख्याल है, देख लेंगे एक बार, चेक कर लेंगे। गुड ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो रीसेट रजिस्टर है, रीसेट लाइन का यहाँ पे यहाँ से निकला हुआ है, देखो यहाँ एक पॉइंट ऊपर का खाली है। हाँ, खाली। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको यहाँ से यहाँ पे दोनों को मिला दिया इस वाली लाइन से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे जो हमने सीपीयू ड्रिल किया है, यहाँ पे सीपीयू ड्रिल किया ना, तो सीपीयू ड्रिल करके यहाँ से हमने रीसेट का एक जम्पर निकाला है सीपीयू से, जैसा कि ये देख रहे हैं। ठीक है, सीपीयू का जम्पर निकाले, अब उसको लगाएंगे हम कहाँ पे, यहाँ पे नीचे ये रजिस्टर के इस साइड में, जो दो नंबर की पिन है इसकी, ये रीसेट लाइन यहाँ पे आती है दो नंबर पे। कहाँ आती है? दो नंबर। तो अभी मैं यहाँ पे जूम करूंगा, दिख रहा आपको? तो यहाँ पे अभी मैं एक जम्पर लगाऊंगा इसका, ये जो जम्पर लगा रहे हैं हम रीसेट लाइन का लगा रहे हैं, इसका रीसेट लाइन का, वही प्रॉब्लम था ना रीसेट लाइन का। ठीक है, यहाँ पे मैंने जम्पर लगा दिया इसको। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा यूवी ग्लू लगा देते हैं ताकि वो निकले नहीं बाहर। ठीक है, ये हरा वाले भी यूवी ग्लू बोलते हैं, यूवी ग्लू बोलते हैं, वो फिक्स हो जाएगा और यूवी लाइट रख दिया मैंने, ये देखो एक दो मिनट के लिए रखना है ऐसा, ताकि वो जो जम्पर हम लगाए वो अच्छे से, टीवी पूरी आनी चाहिए, अगर टीवी ले रहे हो तो पूरी टीवी आनी चाहिए ऐसे, हाथ करने का ऐसा। ठीक है, थोड़ा इधर ले लेना, चलो यहाँ लेना। यहाँ पे मैं यूवी लाइट पकड़ के रखा हूँ ताकि ये जम्पर हमारा अच्छे से लग जाए। ठीक है, बस दो मिनट रखना है इसको सूखने, दो से तीन मिनट वो सूख जाएगा। ठीक, यहीं पे लेना, यहीं पे लेना। तो यहाँ पे मैं इस भी इसको चेक करते हैं लगा के पीसीबी में। ठीक है, स्टार्ट करना, यहाँ क्या कर दो स्टार्ट। हाँ, डिस्प्ले कनेक्टर की यहाँ पे आप दो नंबर पिन के साथ रजिस्टर जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे हमने जम्पर लगा दिया। ठीक है, अभी इसको हम एक बार डिस्प्ले में लगा के चेक करेंगे कि हमारा जम्पर प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे टच का भी लगा देते हैं एक बार, ठीक है, बैटरी लगाते हैं, और बैटरी लगाने के बाद यहाँ पे एक बार मैं डिस्प्ले लगाना चाहूँगा, सॉरी चार्जर लगाना चाहूँगा। कुछ हो गया,
वो लाइनिंग आ रहा है। एक मिनट, पहले तो ये होगा। यहाँ पे आ गया। मतलब ग्राफिक आ रहा है इसमें, ठीक है। अभी इसको हम ऑन करके चेक करेंगे। क्या करेंगे? ऑन करके चेक, ऑन करेंगे, ठीक है। ग्राफिक तो आ गया है, तो यहाँ पे लगाएंगे बैटरी इस तरह से, और एक बार मैं पावर की दबा दूंगा इस तरह से। यहाँ मेरा हैंडसेट ऑन हो गया है सर। तो ये पूरा ऑन होना चाहिए। ग्राफिक तो आ गया है, अगर से प्रॉब्लम कुछ होती तो ये भी नहीं आता, नहीं आता हाँ। है ना हाँ। ये भी नहीं आता, लाइन तो क्लियर। हमने जो बाईपास किया सीपीयू से जम्पर निकाल के, वो सक्सेस हो गया हमारा, है ना। अभी मोबाइल यहाँ एंड्रॉइड लिख के आएगा, पूरा खुलेगा, चेक करते हैं। ये खुल के तो यहाँ पे मोबाइल ऑन हो रहा है, एंड्रॉइड लिख के आ चुका है, और पूरा ऑन होता है कि नहीं होता है चेक करते हैं इसको। क्योंकि अगर ग्राफिक लाइन का प्रॉब्लम होता तो इतना भी नहीं आता, नहीं आता। रीसेट लाइन अगर प्रॉब्लम में आ जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से ऑन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ इसको, ये देखिए वापस से आ गया है। एक बार स्लीप मोड में जाने के बाद चेक करते हैं कि वापस से ऑन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इसको स्लीप मोड में डाल देता हूँ मैं। चला गया स्लीप मोड में। अब मैं चार्जर लगाऊंगा तो वापस आ जाना चाहिए। यस आ गया। ओके ये देखिए, पूरा ओके हो गया, मतलब ओके हो गया। ये देखो अभी स्लीप मोड में डाल देते हैं इसको। चला गया स्लीप मोड में, वापस से चार्जर लगाऊंगा तो ऑन हो जाए, स्लीप मोड से जागना चाहिए। ये देखो आ गया, है ना। तो हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई अभी? सॉल्व हो गई, सॉल्व, ठीक है। इधर बताना, यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो मैं यहाँ पे आपसे ही पूछना चाहूंगा, आपका ही मोबाइल है ना ये, थोड़ा सा पकड़ लो इसको, ऐसे पकड़ लेना। तो आपका नाम बता दीजिए। अब्दुल्ला पठान। कहाँ से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। ये फोन आप साथ में लाए थे? जी हाँ सर। क्या प्रॉब्लम थी लाए थे? इसमें डिस्प्ले और ग्राफिक नहीं आ रहा था, मोबाइल ऑन था लेकिन डिस्प्ले और ग्राफिक नहीं आ रहा था। हाँ, ग्राफिक नहीं आ रहा था, मोबाइल ऑन था। आपके सामने लाइव सीपीयू ड्रिल किया इसको? हाँ ये सर। आप पूरा ठहर के यहीं पे देखे? मैं वीडियो काट रहा हूँ सर। हाँ वीडियो भी आप ही निकाले? अच्छा, सीपीयू ड्रिल करे और उसमें से हम क्या करें, कौन सी लाइन निकाले? सीपीयू रीसेट लाइन निकाले, रीसेट लाइन को जम्पर लगाए निकाल के, डिस्प्ले कनेक्टर के दो नंबर पिन, दो नंबर पिन, वो तो आप ट्रेस भी कर लिया खुद से, पूरा बनाए तो पूरा जम्पर लगाए। लाइव अभी ऑन हो गया ना सेटअप का, स्लिप बोर्ड में जाने के बाद में खुल रहा है ना। हेलो, एक बार चार्जर लगा के बता दो। वैसे हम बता ही चुके हैं ऑलरेडी, पावर की का पत्ता निकला हुआ है, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, चार्जर लगा रहे हैं, ठीक है। समझ में आया क्या किए कैसा किए? ओके ओके सारा। सब्सक्राइब करिए टेक्निकल फिरोज चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें।